हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, पिछली मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मुझे एक कमेंट आया कि भाई आप अपने एक डिवाइस से एक से ज्यादा अकाउंट्स कैसे यूज कर सकते हैं। सो मैंने उस समय सोचा कि मैं इसको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, बट फिर मुझे लगा कि कमेंट बॉक्स में मैं इतना क्लियरली नहीं बता पाऊं, क्योंकि इसमें एक ऐसी छोटी सी चीज है जिसको कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में वही छोटी चीज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। होगा क्या, आपका चाहे 2013 का बेस हो चाहे 2003 का बेस, आपका अकाउंट बिल्कुल रीसेट हो सकता है। आपको स्टार्टिंग से सारा खेलना पड़ेगा अगर आपने वो छोटी सी गलती कर दी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इस पर पूरी एक वीडियो बना दूं ताकि आपको मैं क्लियरली समझा दूं कि आपको करना कैसे है। तो प्लीज आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पूरा लाइफ प्रूफ करके दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा ही नहीं आपको, मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको अपना जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको कैसे लिंक करना है, और जो आपका दूसरा अकाउंट है उसको कैसे लिंक करके आपको दोनों अकाउंट्स एक ही फोन में कैसे खेलने, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि अगर हम चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज वाली बेल को दबाना मत भूलना, जिससे कि क्लैश ऑफ क्लैंस के रिलेटेड छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, वो चाहे कोई न्यू अटैक स्ट्रेटजी हो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव बातें हो, आपको सबको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दो बार जो चेक करें अपने बेल आइकन को ऑल पर प्रेस किया होगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। सो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है और आपके जो बाकी सारे अकाउंट्स हैं उनको आप एक ही फोन पे कैसे खेल सकते हैं। वो आप सिर्फ और सिर्फ सुपरसेल आईडी की हेल्प से कर सकते हैं, जिसको कि लिंक करना अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से और अपने बाकी सारे अकाउंट से, और इसको करना बहुत 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 ही ज्यादा इजी है। वैसे सुपरसेल ने इसको 2-3 साल पहले इसको लॉन्च कर दिया था, बट सुपरसेल कहीं ना कहीं इतनी अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पाया, जिसके कारण क्या मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई। बट आज आपके जितने भी डाउट्स हैं इन सबको लेकर मैं आज सारे क्लियर कर दूंगा। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मेरा जो ये अकाउंट है वो सुपरसेल आईडी से कनेक्ट हुआ पड़ा है। जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्टेड लिखा आ रहा है, और यहाँ पर मेरे बहुत सारे अकाउंट्स हैं। सो पहले मैं आपको बता दूं वो सब कैसे करना। तो जैसे कि आप यहाँ पर सर्कल सा देख सकते हैं जो कि बना हुआ है, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो मेरे जितने भी अकाउंट्स होंगे जो कि मेरे सुपरसेल आईडी से कनेक्ट होंगे वो देख सकते हैं यहाँ पर सारे सामने आ गए हैं। तो ये मेरे वो सारे अकाउंट्स हैं जिनको कि मैंने अपनी सुपरसेल आईडी से कनेक्ट किया हुआ है। बट अब तक अगर आपने कोई भी अकाउंट को सुपरसेल आईडी से कनेक्ट नहीं किया तो उस समय आपको क्या करना है वो मैं चलिए पहले आपको बता देता हूँ। सो अभी मेरे पास तो कोई अकाउंट है नहीं, तो पहले यहाँ पर हम करते थे प्ले विदाउट सुपरसेल आईडी। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे सामने एक बिल्कुल फ्रेश बेस हमारे सामने अपियर होगा। जैसे कि हम स्टार्टिंग में अगर गेम स्टार्ट करते हैं तो वैसा बिल्कुल एक बेस हमारे सामने आएगा। तो इसमें हमें करना क्या, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको सेटिंग का आइकन शो हो रहा होगा, उस पर अगर देखेंगे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो होंगे, सुपरसेल आईडी डिस्कनेक्टेड और गूगल प्ले साइन इन डिस्कनेक्टेड। सो अगर आपकी कोई पुरानी आईडी है जिसको कि आपने गूगल प्ले से साइन इन किया होगा, और अगर वो फॉर एग्जाम्पल टाउन हॉल 6 का 7 का या कोई भी टाउन हॉल का है, आपको सिंपली सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, और जो आपका अकाउंट होगा जो आपका गूगल प्ले साइन इन से कनेक्ट होगा वो आपका यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद ये होगा कि आपका सुपरसेल आईडी है वो अभी भी डिस्कनेक्टेड शो कर रही होगी। अब आप वो सब कैसे करेंगे वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो अलग बात है, आपका यहाँ पे सेटिंग का जो ये इंटरफेस होगा वो थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अभी मेरी जो गेम बिल्कुल स्टार्ट हुई है तो इसलिए ये इंटरफेस आ रहा है। आप तो ज्यादा टाउन हॉल्स पे होंगे तो ये थोड़ा इंटरफेस जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था इंटरफेस वैसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या, सुपरसेल आईडी जहाँ पर आपके डिस्कनेक्ट लिखा होगा उस पर आपको बस क्लिक कर देना, और इसमें आपको करना क्या ये देखो, यहाँ पर जो लिखा होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब कि अगर मेरी कोई पुरानी आईडी जो है, मतलब कि जो मेरी पुरानी कोई ईमेल है, अगर मैं उसको यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो मेरा जो अकाउंट होगा, मतलब कि जो मैंने टाउन हॉल 11 का दिखाया उस पर जो मेरी ईमेल होगी, अगर मैं वो इस पर कनेक्ट कर देता हूँ तो मेरा जो टाउन हॉल 11 का बेस होगा वो मेरा यहाँ पर आके खुल जाएगा। बट मैंने अभी एक न्यू आईडी के साथ करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हर प्लेयर फेस करता है, वो क्या चीज है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी अपनी, जिसपे की आपका एक ओटीपी आएगा। जैसे वो ओटीपी आप डाल देंगे उसके बाद आपका जो अकाउंट होगा ऊपर से आईडी से लिंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा जो टाउन हॉल 11 का बेस था उसमें मैंने जब अपनी जीमेल डाली हुई थी वो थी मेरी फॉर एग्जाम्पल manav123@gmail.com। तो इस पे आपको जो अपनी ईमेल आईडी यूज करनी है ध्यान से सुनना, यही चीज है जो हर प्लेयर गलत कर देता है और बाद में पछताना पड़ता है कि उसका जो अकाउंट होता है वो रीसेट हो जाता है। तो यही एक चीज है जो मैं आपको समझाने लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी जिसमें कि कहीं कहीं लोग नहीं बता पाते और जो लोग उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत आ जाए, मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत देखा हुआ है वैसा। तो मेरी ये चीज बात ध्यान से सुनिए कि आपको यहाँ पर जो ईमेल आईडी डालनी है वो आपको एक सेपरेट ईमेल आईडी डालनी है। जैसे मेरा टाउन हॉल 11 के बेस पे थी manav123@gmail.com, तो इस पे मेरे को जो ईमेल आईडी डालनी है वो फॉर एग्जांपल manav456@gmail.com, मतलब कि दूसरी ईमेल आईडी डालनी है। अगर मैं वही ईमेल आईडी डाल दूंगा तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा जो टाउन हॉल 11 का बेस होगा वो रीसेट हो जाएगा, मतलब टाउन हॉल 11 का बेस उड़ जाएगा, वो सिर्फ जो बेस होगा वो मेरा ये बेस उस आईडी पे माना जाएगा, फिर मेरा टाउन 11 का बेस हमेशा के लिए उड़ जाएगा। उसके बाद जितना मर्जी हेल्प एंड सपोर्ट से मांग लो आपका बेस वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, आपको एक सेपरेट ईमेल आईडी यूज करनी पड़ेगी। तो ये वो चीज है जिसके कारण मैं आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये चीज आप गलत कर देंगे। तो होप सो आपने ये चीज स्किप नहीं की थी और आपने इसको समझ लिया होगा, आपने स्किप कर दिया पिछले फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज। तो चलिए अब यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी होगी
उसको यहाँ पर हमने रजिस्टर्ड कर देना, जो आपकी न्यू ईमेल आईडी होगी उसको डालना है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी। अब आपको यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर हम रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद आपके जो ईमेल आईडी डाल दिया उस पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो जो वेरिफिकेशन कोड होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो बस यहाँ पर आपका जो सुपरसेल आईडी है वो लिंक हो चुकी है आपके उस अकाउंट के साथ, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। सो बस गाइस ये जो आपकी सुपरसेल आईडी थी वो कनेक्ट हो चुकी है, अब यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सुपरसेल आईडी यहाँ पर आपकी कनेक्टेड शो हो रही होगी। तो चलिए अब आपका जो ये अकाउंट था वो आपका लिंक हो चुका है। मान लो कि जैसे आपका जो अकाउंट था वो चाहे टाउन 11 का हो, 12 का हो, 13 का हो, 8 का हो, 7 का हो, जो आपका अकाउंट था एग्जिस्टिंग अकाउंट वो अब लिंक हो चुका है। अब आपको करना क्या, अब अगर आपने दूसरी आईडीज भी आपने सारी लॉग इन कर ली है, अब आपको मतलब करना कैसे, मतलब अगर आपने ये वाला अकाउंट खेल रहे हो आपको दूसरे अकाउंट पे कैसे जाना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि अब यहाँ पर सुपरसेल आईडी यहाँ पर जैसे कनेक्टेड लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि मेरा टाउन हॉल 1 है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। बट जैसे कि आपने मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में दिखाया वहाँ पर थोड़ा सर्कल सा आ रहा था, वैसे आपको वहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर जैसे हम कनेक्टेड पर शो करते हैं उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पर हमें लॉग आउट कर देना है। यहाँ पर आपका जो प्रोग्रेस होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा। सो यहाँ पर चलिए आपको कन्फर्म कर देना। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर एक इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें कि आपको करना क्या, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे जिसमें क्या आएगा लॉग इन विद सुपरसेल आईडी और लॉग इन विदाउट सुपरसेल आईडी। सो लॉग इन विदाउट सुपरसेल आईडी करते हो तो मतलब क्या होगा कि आपने एक और न्यू बेस खेलना है। अगर आप लॉग इन विद सुपरसेल आईडी करते हो जिसमें कि आपके बाकी सारे अकाउंट्स भी लॉग इन थे, तो यहाँ पर आपको सिंपल लॉग इन विद सुपरसेल आईडी करना है। और यहाँ पर अब देख सकते पहले हमारे 3 अकाउंट से अब यहाँ पर फोर्थ अकाउंट भी आ चुका है। सो यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फोर्थ अकाउंट पे, तो हमारे सामने जो हमारा टाउन हॉल 1 का बेस था वही यहाँ पर हमारा वापस शो हो जाएगा। बस जैसे कि आप देख सकते हमारा वही अकाउंट वापस से शो हो जाएगा। और फिर से हम वही चीज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कनेक्टेड वापस क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लॉग आउट कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। तो फिर से हमारे सामने यही हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमें दूसरे बेस पर जाना है, जैसे कि मेरे को टाउन हॉल 11 के मेरे बेस पर जाना है, तो वही हम टाउन हॉल 11 के बेस पर वापस से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम टाउन हॉल 11 के बेस पर आ गए। ऐसे अगर आपको दूसरे आईडीज भी अगर आपने लिंक कर दिए हैं, अगर आप खेलना चाहते हैं दूसरे आईडी से भी खेल सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जैसे मेरे अभी आपने पिछले देखा यहाँ पर कनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा था, वो अगर आप एक न्यू बेस के साथ खेलते तो वैसा आपको शो होगा। बट अगर आपका जैसा ये बेस है फुली प्रिपेयर्ड बेस है आपका, तो उसमें आपको यहाँ पर जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा आएगा कनेक्टेड और यहाँ पर एक सर्कल आएगा। तो यहाँ पर आपको सर्कल पे क्लिक करना है जिससे कि आपकी ये जो आईडी होगी वो डिसकनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने फिर से यही इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसी तरह आप जितने चाहे उतने अकाउंट्स खेल सकते हैं अपने एक सिंगल फोन में। और एक और चीज है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त की जो आईडी है वो सुपरसेल आईडी से कनेक्ट हुई पड़ी है और आप चाहते हैं आप अपने फोन पे उसको कैसे लॉग इन करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रोल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको लिखा है लॉग इन विद अनदर आईडी। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं लॉग इन पे तो जिसकी आईडी वहाँ पे लॉग इन होगी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके दोस्त की आईडी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके दोस्त का नाम मोहन है तो मतलब mohan123@gmail.com अगर उसकी लिंक है सुपरसेल आईडी के साथ, सो आप इस पर सीधा कंटिन्यू करेंगे उसकी आईडी डालेंगे, तो वही चीज जो आपके दोस्त की आईडी होगी वो भी आपके इस फोन पे शो हो जाएगी। तो यही चीज है, आपको जितने चाहे उतने अकाउंट आप खेल सकते हैं। अगर आप लॉग इन विदाउट सुपरसेल आईडी करते हैं आपके सामने एक न्यू बेस शो हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बट अगर आप लॉग इन विद सुपरसेल आईडी करते तो आप जितने आपके अकाउंट्स लॉग इन होंगे सुपरसेल आईडी से वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। मेरे पास इस फोन में 3 अकाउंट्स है, अब मैंने एक और ऐड कर लिया तो मेरे पास टोटल 4 अकाउंट्स हो चुके हैं इस फोन में। मेरे पास दूसरे फोन में 12 अकाउंट्स पड़े हैं, तो इन टोटल अब मेरे पास 16 अकाउंट्स हो चुके हैं सुपरसेल आईडी के साथ कनेक्ट किए हुए। सो बस यही था आज का टॉपिक, बहुत ही इजी था बट साथ ही बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से समझा तो आपको इसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। तब भी आपकी कंफ्यूजन नहीं दूर होती तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए गाइस यही थी आज की वीडियो, यहाँ तक देखने अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मोस्ट इंपोर्टेंट दो बार जो चेक करना कि आपने बेल आइकन को ऑल पर प्रेस किया हुआ है। सो बस आज के लिए इतना, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।